फ्रेंड्स, ईडीयू जैम्प में मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का अपन एक टॉपिक अभी करते हैं, जो इसमें अपन देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स तो 2017-18 में लिखी गई, उन बुक्स के बारे में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस बुक का ऑथर कौन है, या फिर इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, या फिर किसी डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाएगा उसके अध्यक्ष का, या फिर कब अपॉइंटमेंट हुआ और वो पहले को क्या करते थे, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस पर अपन एक शॉर्ट वीडियो करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि पंकज शरण हैं, उनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है मई 2018 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नेशनल, वो कौन है? अजीत डोभाल है। तो ये पंकज शरण जो थे वो पहले वहाँ पे क्या बोलते हैं रशिया में राजनयिक वो थे, अपने वरिष्ठ राजनयिक थे। उसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में भी कुछ टाइम काम किया। और अजीत डोभाल है वो आईबी के चीफ रह चुके हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो है शरद कुमार एक आईपीएस ऑफिसर हैं, जो पहले एनआईए के चीफ भी रह चुके हैं, और अब उनको केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त बनाया गया है। और उनके जो टर्म है वो है 4 साल के लिए, उनका आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए नाम कि किसको अपॉइंट किया गया, कौन कहाँ है। यूपीएससी चेयरमैन अभी जो बनाए गए हैं वो है अरविंद सक्सेना, और इनका जो कार्यकाल है वो 7 अगस्त 2020 तक है। और ये अरविंद जो सक्सेना है ये पहले रो ऑफिशियल थे, ठीक है। इक्वाडोर की मारिया फर्नाडा संयुक्त राष्ट्र महासभा की 73वें सत्र की अध्यक्ष निर्वाचित हुई है, ठीक है। इक्वाडोर की है और मारिया फर्नाडा ये 4th वुमेन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी है, उससे पहले 3 और बन चुकी हैं। और जो पहली महासभा की अध्यक्ष बनी थी 8वें सत्र के लिए वो इंडियन थी, पहली संयुक्त राष्ट्र सभा की भी थी और इंडियन भी पहली थी, ठीक है। ओब्वियसली होनी थी, वो उस अपने आप में पहली थी। तो उनका नाम था विजयलक्ष्मी पंडित, और ये 1953 में बनी और 8th सेशन के लिए बनी थी, ठीक है। 193 कंट्री हैं जो इसके क्या बोलते हैं मेंबर कंट्रीज हैं यूएस उसकी यूएन की, उसमें से सिर्फ अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जिसको 2 बार अभी तक वो मिला है महासभा के अध्यक्ष का पद मिला है, ठीक है। बाकी सबको 2 बार किसी को नहीं मिला। एस रमेश हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ सीबीआईसी बनाया गया है। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये पहले इसका नाम हुआ करता था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब इसका चेंज नाम करके सीबीआईसी बना दिया गया है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो बनाए गए हैं एस रमेश। उसके बाद जो जस्टिस आर के अग्रवाल हैं, जो रिटायर हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग, जो क्या है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेस कमीशन NCDRC, इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आर के अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है MK जैन का। MK जैन डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI बनाए गए हैं। ये इनका टर्म तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो जून 2018 से इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये पहले थे IDBI के डायरेक्टर मैनेजर, और इंडियन बैंक में भी ये काफी अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में, वो टोटल 4 होते हैं। तो इनके अलावा जो बाकी 3 कौन कौन है, NS विश्वनाथन, डॉक्टर वीरल वी आचार्य और BP कनुंगो, ठीक है। ये 3 इसके अन्य जो वो हैं डिप्टी गवर्नर्स हैं। इसमें क्या है कि 4 में से 2 तो इनका खुद के गवर्नर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स RBI के जो ऑफिशियल्स होते हैं, और 2 बैंकर्स कोटे से आते हैं। तो MK जैन है वो बैंकर्स कोटे से बने हैं। फिर कुछ जो छोटे छोटे और हैं उनको भी देख लेते हैं। रीअपॉइंटमेंट ऑफ MD एंड CEO बंधक बैंक के जो CEO और MD पहले भी यही थे चंद्रशेखर घोष, अब इनको दोबारा रिपॉइंट कर लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो किन को बनाया गया है? सुंदर बाल कृष्ण, ठीक है। अब कुछ बुक्स देख लेते हैं
जो अभी 2017-18 में बहुत जिनके बारे में पूछा जा सकता है इनके उत्तर कौन है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। वाई आई एम हिंदू, ये बुक जो लिखी है ये लिखी है शशि थरूर जी ने, तो वाई आई एम हिंदू शशि थरूर, और हिट रिफ्रेश ये लिखा है, लिखी है बुक सत्य नंडेला ने। फॉल्ट लाइन हाउ हाइड फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बुक किसने लिखी है, रघुराम राजन ने। तो रघुराम राजन कौन थे, आरबीआई के इससे पहले गवर्नर थे, अभी कौन है, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, इन्होंने फॉल्ट लाइंस लिखी, और ये भी इन्होंने लिखी है आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन ने ये बुक लिखी। फिर एक बुक है ये द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस, ये जो बुक लिखी है ये तीन लोगों ने मिलकर लिखी है, ए एस दौलत जो रॉ के सेक्रेटरी रह चुके हैं 1999 और 2000 में, असाद दुरानी जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ISI के 1990-91 के टाइम पे, और आदित्य सिंह ये एक राइटर हैं। तो इन तीनों ने ये बुक लिखी है द स्पाई क्रॉनिकल्स। ठीक है, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।